दोस्तों, मैं आपको आज फैन टांगने की विधि बताएंगे कैसे टांगते हैं, और उससे पहले आपको औजार क्या क्या आवश्यकता होती है वो बताएंगे। उसके लिए सबसे पहले एक बड़ा पेचकस की आवश्यकता होती है, जिसमें एक तरफ स्टार हो और एक तरफ माइनस हो। अगर ये नहीं है तो भी चल जाएगा, लेकिन थोड़ा दिक्कत करता है और रहता है तो ठीक रहता है उसके लिए। और उसके लिए इसको टाइट करने के लिए एक प्लास की जरूरत पड़ती है। अगर प्लास ना हो तो रिंच उंच सरणसी वगैरह से काम चल जाता है। एक टेस्टर की आवश्यकता पड़ती है, अगर टेस्टर ना हो तो छोटा पेचकस हो, उससे काम चल जाता है। और एक टेप की आवश्यकता होती है तार को टेपिंग करने के लिए। अब हम मार्केट से जो फैन लेके आते हैं, तो हमको मार्केट में एक बड़ा डब्बे में मिलता है, एक छोटा पल्ले, इसमें ब्लेड रहता है और इसमें पंखे का मोटर रहता है, उसकी कैप ओपन रहती है। आइए हम अब इसको ओपन करते हैं। जो कंपनी सील करके देती है पैक करके, तो उसमें ऐसे करके देती है, इसमें एक ये लगा रहता है, उसके वजह से टेप लगा रहता है। तो ये कंपनी के इसको ये दुकानदार इसको खोला है, खोल के अपना टेप मारा है। तो इसको ओपन करते हैं, इसमें कुछ किया होगा इसलिए, या कुछ किसी को दिखाया होगा, पसंद कराया होगा कलर हो। इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने से पहले इस पे इसका कैसे फैन टांगते हैं, कैसे नट बोल्ट लगाते हैं, सब दिया है। एक बार पढ़ लेंगे तो आसानी से आप टांग सकते हैं इसको। तो इसमें सबसे पहले एक रॉड निकलता है, रॉड रखा रहता है। एक रॉड ये 8 इंच का ही देते हैं, बड़ा रॉड देंगे तो इनके डब्बे में नहीं आ पाएगा, इसलिए 8 इंच का रॉड देते हैं। ये पंखे का रॉड ये कंपनी की तरफ से मिलता है, मजबूत रहता है, सही रहता है। और दो कैप मिलता है, ऊपर नीचे लगाया जाता है। उसके बाद से एक क्लैंप मिलता है, जिसको कि रॉड वो टांगी जाती है। इसको आपको लगा के फिर दिखाएंगे बाद में। तो उसके बाद पंखा मिलता है, एक गारंटी कार्ड होती है। ये गारंटी कार्ड के भरोसे ना रही, जो आप इस जहाँ से देंगे वहाँ से जो है इसकी पेपर पक्का बिल बनवा लीजिएगा। कंपनी कहती है कि आप 1 महीना 2 महीने बाद आप जाके इसको फिलअप करवाएंगे, और जैसे आप खरीदते हैं तो बिल पे निर्भर करती है। तो इसको ओपन करते हैं। ये पंखे का मोटर है, ये नीचे लगा दिया जाता है ताकि पंखे जमीन पर रखें तो स्क्रेच वगैरह ना हो। ये वो तो ठीक है, ये मिलता है नहीं तो कपड़े उपड़े रख लेते हैं। ये पंखा है, तो इसमें इसका पर है, ब्लेड बोल। इसको ओपन करते हैं, इसमें पन्नी में 3 ब्लेड निकलती है। ब्लेड में जो है एक सेफ्टी के लिए कवर वगैरह लगा देते हैं, ताकि ये शो टूटे ना, स्क्रेच ना आए। और इसमें एक दफ्ती लगा देते हैं, ताकि वाशर की जगह पे बढ़िया से फिट हो, प्ले वगैरह ना हो। उसके बाद से हम इसके 3 ब्लेड होते हैं, तो 3 जगह दिया रहता है। फिर इसको हम स्टार के द्वारा, पेचकस के स्टार के द्वारा, स्टार इसमें बना रहता है, उसको ओपन करते हैं। एंटी क्लॉक वाइज खोलते हैं, और सबसे बढ़िया रहता है जो चीज़ खोले उसको तुरंत ही उसी समय खोल जाए। मशीन में सबसे ज़रूरी है जो पार्ट पहले खुलता है सबसे आगे मोड़ लेता है। इसको स्टार के द्वारा भी खोल सकते हैं, माइनस के द्वारा भी खोल सकते हैं। और इसको जो है इसमें पेच लगा के और इसको टाइट किया जाता है। पेच में ये गत्ता लगा रहना चाहिए। तो हम क्लॉक वाइज इसको बंद कर देते हैं, और दोनों एक नहीं, ये नहीं कि एक पूरा टाइट कर दे फिर एक दूसरा, दोनों एक बराबर बराबर पे टाइट करते हैं, और पूरी तरह मजबूती से टाइट कर देते हैं कि कुछ प्ले वगैरह ना रहे, आवाज ना आए, पंखे में कुछ डिसबैलेंस नहीं रहता है। अब हम ये तीनों ब्लेड इसको टाइट कर दिए हैं, तीनों मजबूत है बारी बारी से। अब इसमें हम रॉड लगाएंगे। तो ये फैन जो है वाइट कलर में है और हमारे पास ब्राउन कलर में है। ये बाहर से ये पंखे का तार जो आया है ये छोटा है, तो इसमें ये छत के बहुत हाइट हो जाएगा तो नीचे हवा नहीं जाता, इसलिए लंबी रॉड लगाई जाती है। तो
ये मार्केट से लेनी पड़ती है, तो मार्केट से ये हल्की मिलती है और इतनी मजबूत नहीं रहती है और ये मजबूत रहती है। तो इसको लगाने के लिए इसमें ये जो कैप है, कैप लगाया जाता है सबसे पहले, जो स्पेलिंग जिस पे लिखा रहता है हैवेल्स ऊपर की तरफ, और जिस पे तीन छेद होते हैं जिस पे फटा नहीं रहता, जो फटा रहता है वो नीचे रहता है, ये किस लिए फटा है ये भी हम बताएंगे, और जिस पे नहीं फटा है तीन छेद होता है ये छेद किस लिए है वो भी बताएंगे। इसको हम लगा देते हैं, उसके बाद से इसको नीचे से लगा देते हैं। पहले इसमें नट बोल्ट आते थे यहाँ पे टाइट करने के लिए, नहीं टाइट हो गया, बहुत मजबूत है। और इसमें हम कनेक्शन करेंगे, इसमें सप्लाई जाने के लिए एक तार की आवश्यकता होती है। इस तार को साइड से इसमें ऐसे डाल देते हैं, ये तीन छेद ऊपर की तरफ से डालेंगे तो ये नीचे की तरफ से निकलेगा। अब नीचे की तरफ से निकलेंगे, इसमें जो पटा है पटे वाले से बगल से निकाल देते हैं बीच में, सबसे इसमें से वायर निकाल देते हैं, जो पंखे का ये वाला बोल्ट है वो यहाँ तक आएगा, फिर इसमें से नट बोल्ट लगाते हैं। और पंखे में एक नट ये लगा रहता है सेफ्टी के लिए कि बोल्ट अगर कट जाए तो ये रहे। और अब जो है ये दूसरा पंखा है, तो अब कंपनी जो है एक तार दे रही है, मैं तार दिखा देता हूँ, लोगों को नहीं मालूम है ये तार ये लगता क्यों है, और सेफ्टी के लिए ये भी ठीक रहता है। तो पहले इसे निकाल देते हैं, लॉक है, इसको चालू करते हैं। तो सबसे पहले ये छेद है और इसमें एक ये बना है, इसको ऐसे लगा देते हैं, और ये क्लैंप दिया है, क्लैंप में एक बोल्ट अलग से दिया है और दो इसके साथ रहता है। तो ये पिन है, पिन लगाने की बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये पिन कट जाएगा। इसको एंटी क्लॉक वाइज खोल लेते हैं, क्लॉक वाइज इसको टाइट करेंगे। ये घूमने नहीं देता है, असर है, इसको टाइट करते हैं काफ़ी बढ़िया से देखिए, इसमें छोटा रॉड है तो ठीक से दिख नहीं रहा है। तो फिर इसको फिर से लगा के, फिर एक इसमें एल्यूमिनियम की पत्ती है, फिर वाशर है, फिर एक छोटा बोल्ट है, छोटे नट से इसको फिर प्लास से टाइट कर लेते हैं। तो बढ़िया से जब टाइट कर देंगे तो जो फटा वाला था वो जाकर उसको पकड़ लेगा, मजबूत। फिर बड़ा बोल्ट जो है उसको टाइट कर लेते हैं, तो इसमें किसी प्रकार का प्ले नहीं रह गया। पिन लगा देते हैं, पिन इसमें छेद रहता है, छेद से इसे डाल के और इसके दोनों तरफ बोल्ट, जब ये बोल्ट अगर ढीला हो गया ना ये खुल के बाहर नहीं निकलता है। और पहले पंखे में एक ये नट दिया रहता है, अगर ये नट यहाँ पे टाइट कर देंगे यहाँ पे तो ये खुलेगा नहीं, ये जिस बोल्ट कर दिया तो नट रोक लेगा। और अब पंखे में एक तार मिल रहा है, अगर ये तार है इसको बोल्ट निकालेंगे, ऐसे तार ये ऊपर से निकाल देंगे, इसमें ये तार ऐसे निकल आएगा और ऊपर क्लैंप लगाएंगे, उसमें लगा के इसको पिन से इसको टाइट कर दिया जाएगा, उसके बाद से क्लैंप लगाया जाएगा। तो इसमें नट दिया है, नट वाला सिस्टम, तो नट वाला पहले लगाएंगे। ये नट टाइट हो गया, अब आते हैं इसमें कनेक्शन के लिए। इसकी छोटी सी
10 10 mm की लगभग इसमें दोनों बार छील लेते हैं। इसमें न्यूट्रल फेस नहीं देखा जाता है कौन कहाँ है, न्यूट्रल फेस दो ही होते हैं, इसमें कहीं भी लगा देते हैं। इसको सेफ्टी के लिए इसमें टेप रहता है, इसको निकाल लेते हैं और इस पर लिखा रहता है यहाँ पे एम। तो ऊपर नीचे दो ही इसमें बने होते हैं, दो ही लगाना होता है। तो इसको टेस्टर के माध्यम से हल्का सा खोल देते हैं और इसको अंदर डाल के टाइट कर देते हैं। दो ही चीज़ खोलना होता है, इधर तीन बना है तीन की तरफ नहीं खोलना है, ये इधर दो बना है दो स्लाइड, उसी में छोटे छोटे पेचकस टेस्टर के माध्यम से, बड़ा पेचकस जाएगा नहीं इसके अंदर, तो बड़े का यूज ना करें, छोटे का यूज करें। और ये पूरा इधर हमारा कनेक्शन हो गया, ये फिर कंप्लीट हो गई। तार वार जो इसको लटते हैं इसको ऊपर कर देते हैं, फिर नीचे अलग जो एक्स्ट्रा है इसको ऊपर कर देते हैं। इसके बाद इसको नीचे काम कर देते हैं, इतना रखते कि ये घूमने पर इसमें सटेगा। उसके बाद से अब कार रह गया ये, इस क्लैंप को फिर खोल लेते हैं। खोलने के बाद से जैसे नीचे टाइट किए थे वैसे ही ऊपर भी टाइट करेंगे। ऊपर फैन रॉड होता है, क्लैंप होता है, सरिया रहता है, उसमें इसको ऐसे घुमा लेते हैं, थोड़ा मजबूत, जल्दी घूमता नहीं है। घुमाने के बाद से ये मान के चलते हैं सरिया है, इसको ऐसे फंसा लिया जाता है, इसको सीधा कर दिया जाता है, इसको भी हटा देते हैं। अगले वीडियो में ऊपर टांग के इसको दिखाएंगे, इसको लग गया ही। और फिर ऐसे ही इसको नट से टाइट कर दिया जाएगा। पहले एक इसमें वाशर डाल देते हैं, नीचे दिखा देते हैं बढ़िया से समझ में आ जाएगा, ऊपर बाद में इसको दिखाएंगे अगले वीडियो में। इसको टाइट कर देंगे, इसको भी बढ़िया से टाइट कर देंगे। तो फिर पिन होता है, पिन लगा देंगे। इनका मुँह पतला करना पड़ता है, जब फैल जाती है तो नहीं लग पाता है। तो उसने इतना और इसको मोड़ दिया। अब ये बोल्ट निकलेगा नहीं, और इसके साथ अब जो है पंखे में ये तार आ रहा है तो नीचे से आएगा और इसमें से निकलेगा, इसमें से निकलेगा जहाँ ये पंखे का रॉड है उसमें घुमा के इसे टाइट कर दिया जाता है। पंखे का नट बोल्ट टूट गया, गिर गया तो ये तार रोक लेगा, और जहाँ पंखे टाइमिंग वहाँ पे एक दो तार रहते हैं न्यूट्रल फेस, उसमें से इसको काट के से इसको मैं डाला था तो डबल था, इसको थोड़ा लंबा ही छील देते हैं आधा आधा इंच या एक एक इंच। तो इन दोनों तारों को एक एक करके पकड़ के इसको जोड़ के और इसमें टेपिंग कर देते हैं। इस तरह आपका पूरा एक फैन तैयार हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, धन्यवाद।